गाइस, आमतौर पर देखा गया है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद कम होने की वजह से कई राज्यों में लड़के कुंवारे रह जाते हैं। उन्हें दूर दराज की लड़कियों से शादी करनी पड़ती है। कई मामले तो ऐसे भी सामने आ चुके हैं जहां लड़की की शादी एक ही घर के दो दो लड़कों से कर दी गई, क्योंकि वहां लड़कियां हैं ही नहीं। मगर एक गाँव ऐसा है जहाँ लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील का नोइवा डो कोर्डे एरो कस्बा महिला बहुल इलाका है। यहाँ खेती से लेकर निर्माण का काम महिलाएं करती हैं। यहाँ रहने वाली अधिकतर महिलाओं की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ कुंवारी है, इनकी शादी नहीं हो पा रही है। दरअसल इस कस्बे में जितने भी पुरुष थे वे पैसे कमाने, नौकरी करने यहाँ से बाहर जा चुके हैं। जो पुरुष इस गांव में रह रहे हैं उनमें से कईयों की या तो शादी हो चुकी है या फिर रिश्ते में लड़की के भाई लगते हैं। इस तरह से गांव की लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। इस गांव की महिलाओं की शादी इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि ये शादी के बाद अपने गांव को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। गाइस, हाल के दिनों में इंडियन सिनेमा में साउथ इंडियन मूवीज का क्रेज कई गुना बढ़ गया है। बाहुबली, RRR, KGF और पुष्पा जैसी साउथ इंडियन मूवीज ने लोगों को थिएटर में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि साल दर साल साउथ इंडियन मूवीज कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। यही वजह है कि एक ऐसी साउथ इंडियन मूवीज बनने जा रही है जिसका बजट 1000 करोड़ है। जी हाँ गाइस, पोन्नियिन सेल्वन नाम की मूवी जिसका टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है, रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में विक्रम, ऐश्वर्या, कार्ती जैसे बड़े सितारे शामिल किए गए हैं और इसे पैन इंडिया के तहत तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कन्नड़ और तमिल भाषा में रिलीज किया जाएगा। गाइस, आपको क्या लगता है 1000 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म क्या अपनी लागत वसूल करने में सफल होगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस, द्रौपदी मुर्मू, केंद्र की मोदी सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया, क्योंकि इस पद के लिए द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद ही किसी को ख्याल आया हो। गाइस, द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है और वो उड़ीसा की राज्यपाल है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षिका के रूप में की, लेकिन उनका राजनीतिक सफर 1957 में पार्षद बनने से शुरू हुआ। इसके 3 साल बाद वो पहली बार विधायक बनी और वर्तमान में उड़ीसा की राज्यपाल है। वैसे तो राष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम 21 जुलाई को आएगा, लेकिन चुनाव से पहले ही द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में बीजेपी के पास जीतने के लिए जरूरी 50% से ज्यादा वोट में से 48% वोट उनके पास है। साथ ही उनके पास कुछ अन्य राजनीतिक पार्टी का समर्थन हासिल है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू देश की तीसरी होने वाली महिला राष्ट्रपति होंगी।